नमस्कार, मैं राहुल पारचा, भारतीय अखिल भारतीय परिवार पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष। आज फिर आप लोगों के बीच में आया हूँ दोस्तों, एक मुद्दे पर बात करने के लिए। आज का मुद्दा बहुत गंभीर है और बहुत इंटरेस्टिंग भी है। जैसा आपने पढ़ लिया होगा, मुद्दा क्या है, अपार धन होने के बाद भी बहुत सारे लोग चुनाव क्यों हार जाते हैं, क्यों नहीं जीत पाते। दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ बहुत सारे ऐसे लोगों के बारे में जो बहुत धनवान हैं, बहुत पैसे वाले हैं, बहुत पैसा है उनके पास, 700-800 करोड़ रुपए की आसामी है वो लोग, परंतु वो विधायक का चुनाव भी हार चुके हैं। आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को कि जब इतना पैसे वाले लोग भी चुनाव हार सकते हैं, तो फिर छोटे लोग जिनके पास पैसे की कमी रहती है, जो करोड़ 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ के मालिक हैं, वो लोग तो फिर कहाँ टिकते होंगे। आप समझ रहे होंगे मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूँ। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली वालों के लिए बता सकता हूँ, बहुत सारे नेता ऐसे हैं, काउंसलर भी हैं दिल्ली में, जो कई 100 करोड़ रुपए के मालिक हैं, उनकी संपत्ति है 700-800 करोड़ रुपए की, और कुछ विधायक भी ऐसे लड़ते हैं जो 400-500 करोड़ रुपए की वेल्थ रखते हैं अपनी। ऐसे लोग भी हैं जो चुनाव लड़ते हैं लेकिन कि जीत की जो संभावनाएं होती हैं बहुत कम है। मैं दो लोगों के बारे में कह सकता हूँ, दो लोग विधानसभा के चुनाव लड़े, वो अपने आप में धनानंद हैं, पैसे के हाथी हैं, और उन दोनों लोगों ने दिल्ली से विधानसभा का उन्होंने चुनाव लड़ा था और दोनों बार हार चुके, इतना पैसा होने के बाद भी हार गए। मैं बताता हूँ आज दोस्तों, आज आपको इस बारे में कुछ कारण बताने वाला हूँ, उन कारणों पे बात करेंगे क्यों हार जाते हैं ऐसे लोग इतना पैसा होने के बाद भी। पहला कारण ये हो सकता है कि वो पूरी तरह से पार्टी पे डिपेंड हो, कि पार्टी से टिकट अगर मिल गई तो मैं जीत ही जाऊंगा, मुझे कुछ नहीं करना, फिर तो पार्टी टिका जिता देगी मुझे, पार्टी की टिकट ही जिता देगी। क्या ऐसा सोचना सही है? काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि पार्टी के अपने कैडर वोट होते हैं, चाहे वो कोई भी पार्टी हो, चाहे वो क्षेत्रीय दल हो, चाहे वो नेशनल पार्टी हो, पार्टी के अपने कैडर वोट होते हैं। परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि पार्टी जानबूझ के व्यक्ति को जो पैसा देकर टिकट लेता है उसे हरवा देने के लिए काम करती है। पार्टी के जो लोग हैं, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, वो लोग उस व्यक्ति को हरवाने का काम करते हैं, ऐसा षड्यंत्र रचते हैं उसके खिलाफ। जो पैसे वाला होता है, पैसे से धनानंद होता है, हाथी होता है, उसके खिलाफ। कैसे? क्योंकि जो लोग फील्ड में 15-15, 20-20 साल से काम कर रहे हैं एक ही पार्टी के लिए, वो लोग कहाँ जाएंगे? अगर कोई बाहरी व्यक्ति पैसे के दम पर आकर टिकट ले गया और विधायक बन गया, तो उन लोगों का क्या, उन लोगों की मेहनत का क्या, वो लोग कहाँ जाएंगे? वो लोग कहीं नहीं जाएंगे। वो लोग क्या करेंगे? वो लोग उस व्यक्ति को, पैसे वाले व्यक्ति को हराने का काम करते हैं। और सच मानिए, ये जो संगठन होता है, इसकी ताकत होती है, संगठन में बहुत ताकत है, संगठन जिता भी सकता है और संगठन हरा भी सकता है, संगठन हराने का काम भी करता है कभी कभी, जब उसे लगता है कोई बाहरी व्यक्ति पैसे के दम पर आ गया, उस अगर वो जीत गया तो आने वाले 10-15 साल तो हमारे ख़राब हो गए, अब हमें टिकट नहीं मिल पाएगी, ना ही हम उसके आगे जीत पाएंगे। इसलिए कभी कभी संगठन हराने का काम भी करता है। आपने देखा होगा, बहुत सारे इलेक्शन आपने देखे होंगे ऐसे, जिसमें संगठन के लोग अंदर ही अंदर हराने का काम करते हैं, जिस व्यक्ति के साथ चल रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, उसको जिताने के लिए नारे लगा रहे हैं, दरिया बिछा रहे हैं, सब कुछ करा रहे हैं, परंतु पीछे से जब वो पर्सनली लोगों से मिलते हैं तो उनसे बताते हैं ये तो बाहरी है, पैसे के दम पर आया है, कब तक टिकेगा देखते हैं। इसलिए लोग ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते और हरवाने का काम करते हैं। कभी कभी पार्टियां खुद भी चाहती हैं कि व्यक्ति हार जाए। पार्टियां क्यों चाहती हैं? पार्टियां उन्हें शिकार बनाकर रखना चाहती हैं। क्यों शिकार बनाकर रखना चाहती हैं? क्योंकि वो पैसे का धनवान आदमी है, पार्टी उसे टिकट ऐसी जगह से देगी जहां से कोई भी खड़ा हो, कितने ही पैसे वाला हो, सामने वाले का वर्चस्व है, उसके खुद की जमीन है, वहां से हार नहीं सकता, तो
पार्टी ऐसे व्यक्ति को जो हवाई कैंडिडेट होते हैं, पैसे के दम पर आ जाते हैं, उन्हें ऐसी जगह से टिकट देती है जहाँ से वो हारेगा, उससे पैसा भी ले लेती है, उससे संसाधन भी लेती हैं अपने इलेक्शन में लगाने के लिए, और वो व्यक्ति को शिकार बना देती हैं कि वो अब एक बार आ गया, अगली बार तो उसे कहती है कि वहीं पर काम कर, दोबारा आएगा, दोबारा तेरी टिकट पक्की। टिकट तो पक्की होती है लेकिन उससे फिर वही प्रक्रिया दोहराई जाती है, फिर पैसा लिया जाता है, फिर संसाधनों का उसके इस्तेमाल किया जाता है और आखिर में वो फिर हार जाता है। तो पार्टियां खुद भी ऐसे व्यक्ति को शिकार बनाकर रखती हैं। दोस्तों एक और मुद्दा है, और एक वजह हो सकती है ऐसे, शायद ऐसा हो सकता है कि वो व्यक्ति जो विधानसभा का या काउंसलर का इस स्तर का, नीचे के स्तर का इलेक्शन लड़ रहा हो, पैसे के दम पर लड़ना चाह रहा हो, लड़ भी रहा हो, पूरी मेहनत भी कर रहा हो, लेकिन हार जाता हो। उसका एक कारण ये भी हो सकता है कि उसका कद बहुत बड़ा हो लेकिन वो छोटी जगह में फंस गया हो, या फिर उसे पार्टी ने फंसा दिया हो ये दिखाने के लिए कि तुझसे छोटे स्तर का इलेक्शन तो जीता नहीं जा रहा, तो क्या बड़े लेवल का इलेक्शन लड़ेगा, इसलिए उसे नीचे ही पिटवा देते हैं। ऐसा पार्टियां करती हैं और ऐसा होता भी है। कभी कभी कैंडिडेट को भी नहीं मालूम होता, उस व्यक्ति को भी नहीं मालूम होता अपने बारे में, अपने कद के बारे में जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ रहा होता है। क्योंकि राजनीति में हम सिर्फ ये देखते हैं कि हम किसी पार्टी के टिकट लेकर जीत सकते हैं, लेकिन उसे अपने स्तर के बारे में नहीं मालूम होता कि वो किस स्तर का व्यक्ति है। जितना पैसा इन लोगों के पास होता है उतने पैसे में तो बहुत अच्छे से इलेक्शन लड़ा भी जा सकता है और जीता भी जा सकता है, और सिर्फ विधानसभा का नहीं लोकसभा का भी जीता जा सकता है। जब इतना पैसा ही लगाना है तो कम से कम सही जगह पर तो लगाएं, मेहनत तो सही ट्रैक पर करें कम से कम। दोस्तों अगर हम शुरुआत में सही ट्रैक पकड़ लेते हैं तो हमें सिर्फ दौड़ना होता है, दौड़ना। अगर हम गलत ट्रैक पर चले गए तो मान लो राजनीति में 10 15 20 साल तो कोई मायने ही नहीं रखते, इतना आगे निकल जाते हैं। फिर हमेशा हमारे गुरु जी हैं शाहनवाज चौधरी भारती जी, वो हमेशा एक एग्जांपल देते हैं। वो बताते हैं कि जैसे कि आप पानी के जहाज़ को देख लो, अगर वो 0.0001% भी अपनी दिशा से भटक गया तो कई 100 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता है उसे, कई 100 किलोमीटर आगे निकल जाता है अपनी डेस्टिनेशन से। उसी तरह से राजनीति में भी ऐसा ही है, अगर हमने गलत ट्रैक पकड़ लिया तो हम वापिस आने के रास्ते पर होते ही नहीं, हम अपने रास्ते से पूरी तरह से भटक जाते हैं, और जब वापस आते हैं तो हमें शुरू से शुरू करना पड़ता है, और शुरू से शुरू करने के लिए हमें ज़मीन भी नहीं बनानी पड़ती है, अपने एरिया भी नया चूज़ करना पड़ता है। दोस्तों एक वजह और हो सकती है, ऐसे लोगों की हार की, कि उन्हें शायद राजनीति में पैसा कहाँ खर्च करना है ये नहीं मालूम होता। जैसे मैंने अभी बताया, सही दिशा में नहीं चलते, सही दिशा में पैसा भी खर्च नहीं करते। हर व्यक्ति बिकता है, परंतु हमें ये पता होना चाहिए सामने वाले का मूल्य क्या है। अगर हमें सामने वाले का मूल्य नहीं मालूम है तो हम फिर गलत ट्रैक पर मेहनत कर रहे होते हैं, फिर गलत ट्रैक पर दौड़ रहे होते हैं, पैसा तो खर्च करते हैं, बहुत पैसा खर्च करते हैं, परंतु उसका रिजल्ट नहीं आता। दोस्तों पैसा होने के बाद भी बहुत सारे लोग इलेक्शन हारते हैं। मैं दिल्ली में रहता हूँ, दिल्ली के बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बहुत बहुत सारे पैसे वाले लोग हैं, वो विधानसभा के इलेक्शन भी लड़ते हैं परंतु हार जाते हैं, और वो लगातार हार रहे हैं। उन्हें मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जो लोग ऐसा करते हैं पैसे के दम पर ही जीतना चाहते हैं, ठीक है पैसे के दम पर ही जीतेंगे, परंतु अपने रास्ते बदलेंगे, तरीके बदलेंगे। ये लोग क्या करते हैं, गलत ट्रैक पर ही मेहनत करते रहते हैं, मेहनत करते रहते हैं, रिजल्ट अपने पक्ष में नहीं आते। वो इसीलिए नहीं आते क्योंकि हम चल ही गलत ट्रैक पर रहे हैं। दोस्त अगर आज हमें ये ज्ञात हो गया है कि हम गलत रास्ते पर चल रहे हैं, गलत ट्रैक पर चल रहे हैं,
तो अगर हम आज ही अपना ट्रैक चेंज कर लें, या फिर हमें नहीं मालूम कि हम सही ट्रैक पर हैं या गलत ट्रैक पर हैं, तो पूछ लें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपको सही सलाह दे सकते हैं, लेकिन उसके लिए पैसा खर्च होता है। तो मैं वही कहूँगा, आपको शायद ये नहीं मालूम है कि पैसा कहाँ खर्च करना है। सही दिशा में पैसा खर्च करें, सलाह अच्छी लें, अच्छे लोगों से लें जो इस फील्ड के माहिर हैं, उन्हीं लोगों से सलाह लेंगे तो आपको शायद सही रास्ते मिल जाएंगे। अगर गलत लोगों से सलाह लेंगे तो गलत ट्रैक पर ही चलते रहेंगे। तो ऐसा ना हो कहीं आप भी गलत ट्रैक के चक्कर में 15, 20, 25, 30 साल, 40 साल एक पार्टी में एक विधानसभा पर लगा दें लेकिन रिजल्ट ना आए। अभी कुछ समय पहले मेरे पास एक फ़ोन आया था, उस व्यक्ति ने बताया कि मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, पिछले 40 सालों से हूँ, मुझे अभी तक काउंसलर का इलेक्शन भी नहीं लड़ा मैंने, मुझे टिकट के लिए बोला ही नहीं जाता, मैं रेस में ही नहीं होता, मैंने अपनी ज़िंदगी के 40 साल भी लगा दिए, पैसा भी लगाया, परंतु मैं कहाँ गलत हूँ मुझे बताया जाए। थोड़ा पैसा खर्च करना पड़ेगा, काउंसलिंग का समय लो, आके मिलो, आपको बताया जाएगा, आपकी मदद की जाएगी। जब पैसा ही खर्च करना है तो सही दिशा में खर्च करें ना, ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुँच जाएँ। दोस्तों मुझे लगता है कि आज के लिए इतना काफ़ी है। आपके राजनीतिक भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं हैं मेरी ओर से। सीखे राजनीति, करे राजनीति। जय भारत।